Action. Cheers. I'm so happy you could make it, yeah. Me too. Where's Abhimanyu? Wo kyun nahi aaya? Arey, I told him. But usne kaha ki you girls should have your girls' night. But he's very sweet. Yeah. When is Ashwin coming back? Ashwin should be back on Sunday afternoon, so that's day after. One more day without him. You miss him, no? Of course, yeah. You know, मतलब वैसे तो बहुत जाता है वो conferences के लिए, मगर I can never get used to it, you know. I'll call him. Yeah, yeah, you must. So cute. He didn't pick up. Loo mein hoga. He call back. Anyway, he's still not picking up. But I want to tell you something very honestly. I am so fond of both of you because हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन you know कोई भी couple ना अपने जैसा नहीं होता. I know, I completely get it, you know. क्योंकि आजकल like-minded couples मिलना इतना मुश्किल है. Exactly. जहाँ देखो वहाँ किसी का divorce हो रहा है, किसी का breakup हो रहा है, कोई किसी पर cheat कर रहा है. मेरी best friend, वो और उसका husband, they were the ideal couple. I mean, you know, relationship goals. हाँ. दो दिन पहले पता चला that he was cheating on her. God, what are you saying? Yeah, and she is devastated. But उसको पता ही नहीं चला. She ignored the signs. Like what kind of signs? वही typical घर लेट आना, business trips पे ज़्यादा जाना. You know, I mean, not that कि वो cheating के signs है, but probably that's why people say, you know, there's no smoke without fire. I love this. I love the way you've done the house. I mean, especially this. I've always wanted a. Kar lo se call. You know what? I spoke to him at 8 o'clock. He told me at the most 1 ghanta aur lagega. It's 11:15 now, yeah. I hope everything is okay. I mean, of course everything is okay. But अरे हो सकता है उसके work friends के साथ कहीं चला गया होगा ना party करने. But phone तो करना चाहिए ना. Why is he not picking up his phone? Do you think he's lost his phone or something? चोरी हो गया होगा? नहीं, if it was stolen तो वो switched off आता ना, वो battery. हो सकता है गाड़ी में छूट गया होगा फोन. मगर गाड़ी में होगा तो ड्राइवर उठा लेगा ना. अरे तो ड्राइवर को कॉल करो ना. बट आई डोंट हैव हिज नंबर. किसी कॉलीग का नंबर है? आई हैव अ सिस्टर्स नंबर. अरे ही टोल्ड मी दैट ही माइट बी हैंगिंग विद दोज गाइज लेटर. या आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू अश्विन. व्हाट? ओके. When? He's not with them, yeah? He messaged and said that he's not going to be able to make it. अच्छा सूरज आया हुआ है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं सूरज को फोन करती हूँ. मम्मी जी थैंक यू. गुड नाइट. ओके मम्मी मामी जी बाय. गुड नाइट. सॉरी. You know Suraj, he's such an annoying person. मतलब I can't stand him. He's a bad influence on Ashwin. I'm sure उसी ने उसको बोला होगा कि तू फोन भी मत उठा. Thankfully अभी always keeps me updated. और उसके friends भी काफी अच्छे हैं. You know what? Ashwin को मैंने इतनी बार बोला है कि अभिमन्यु के जैसे friends बनाओ यार. Suraj के चक्कर में मत पड़ो. But no, he's so irresponsible. But listen, ये Suraj को call कर लो. I know he is annoying, but हमें तो पता करना है ना कि अश्विन ठीक है. भाभी क्या हाल है? और पार्टी शार्टी प्लान हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं वो अश्विन तुम्हारे साथ है क्या? अश्विन आपके साथ नहीं है? ऑब्वियसली मेरे साथ नहीं है, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ ना. इज ही विद यू? अरे वो तो आज शाम की फ्लाइट से मुंबई चला गया. व्हाट? अरे जस्ट किडिंग भाभी, चिल. जस्ट टेल मी ना, इज ही विद यू? डू यू नो वेयर ही इज? हां या ही इज विद मी ओनली. अच्छा मेरी बात करवाओ अश्विन से. अच्छा बात करनी थी क्या? वो एक्चुअली हम वो एक्चुअली नीचे गया हुआ है. नीचे मतलब नीचे क्या करने गया हुआ है? वो हमने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया था ना, तो वो चेक करने गया हुआ है. अभी तक आया क्यों नहीं? अभी आ जाएगा जल्दी से खाना. तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ है उसका. अरे लेकिन 10 बजे से फोन नहीं उठा रहा है यार, 11:30, 12 हो चुका है. अच्छा 10 बजे से. हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है भाभी जी. हेलो हेलो. He's definitely lying. या कुछ तो है जो ये छुपा रहा है.
सो हिज सिस्टर डजंट नो वेयर ही इज, मम्मी जी डजंट नो वेयर ही इज, मुझे उसने कोई फोन नहीं किया है, कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गई अभी, मोटा है, मोबाइल भी उसके पास ही है बिकॉज इट्स रिंगिंग सो वी नो इट्स नॉट स्टोलन, एंड सूरज इज लाइंग ऑन हिज बिहाफ. व्हाई? झूठ क्यों बोल रहा है? वेयर इज अश्विन यार? अश्विन है कहाँ? आई मीन इज अश्विन. I'm sure he's having an affair. You heard Suraj? You heard what he said, right? झूठ क्यों बोल रहा है वो? अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है वो अश्विन के लिए? Listen, तुमने खुद ही कहा था ना कि वो कितना बड़ा कमीना है. तुम सूरज की बातों पर क्यों ध्यान दे रही हो? He is lying because he wants to hide the fact that Ashwin is with. Shalini, you are overthinking. Let's not jump to conclusions. I'm sure he is not having an affair. He doesn't look the type. तो क्या तुम्हारी फ्रेंड का हस्बैंड who was having an affair did he look the type? No na. शक्ल से थोड़ी कोई लगता है यार. I'm not going to ignore this. Just do me a favor. तुम्हारी वो जो फ्रेंड है ना who's going through a divorce, just ask her na to pass on the divorce lawyer's number to me. तुम कहाँ पहुँच गए? कितना सोच रही हो तुम? Calm down, Shalini. Please. Shalini, he told me he's staying a day extra to spend time with his family. And look at him. He's not with his family. Where is he? Shalini, Ashwin, where are you, yaar? अरे मॉम के मैंने वॉक पी इन द मिडल ऑफ द नाइट. वो कह रही थी तुम बहुत परेशान हो, क्या हुआ, सब ठीक है? अरे यार एक बार फोन तो करना चाहिए ना सोने से पहले. वी आई कॉल्ड यू यार, तब तुम्हारा फोन कॉल वेटिंग पे था. एंड यू सेड यू विल कॉल बैक, मतलब क्या हुआ, सब ठीक है? अरे व्हाटएवर यार, यू कांट जस्ट गो टू स्लीप विदाउट टॉकिंग टू मी वंस. यू नो व्हाट ऑल आई थॉट? आई इमेजिन द वर्स्ट. आई थॉट पता नहीं क्या हो गया. आई थॉट कि तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, आर यू हर्ट और समथिंग? आई वाज सो वरीड यार. इतनी जल्दी पीछा नहीं छोडूंगा मैं, डोंट वरी. या व्हाटएवर, जस्ट प्रॉमिस मी यू विल नेवर डू दिस अगेन. ओके, आई प्रॉमिस आई विल नेवर डू दिस. अभी मैं बहुत थका हूं, सो जाऊं प्लीज. या ओके, बाय. I knew it, yeah. I knew कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा. Ashwin is not gonna go and have an affair, yeah. Come on, he's Ashwin, and I know him. I just trust him completely. But yeah, if he's going to behave suspiciously, then I have every reason to be suspicious, right? If you agree, then like, share, and comment, and don't forget to subscribe to SIT. So this was a great episode to shoot, right? Super fun. I hope you guys had as much fun watching as we had shooting. Cheers to that. Yes. Tell them about the contest. Oh yeah. So इस बार का जो contest है वो बहुत simple है. आप लोगों को पूरा video देखना है और ये बताना है कि आपने कितने lamps देखे on and off. Exactly. It's a very simple question and two lucky winners will win free SIT t-shirts. So all the best to you guys and do participate and see you next week. Yeah. Love and peace from me to you. To me also. So how? Love and peace. Love from mwah. Me to you. Me to you. Hi you guys, and now is the time to announce the contest winners. So hold your breath. And by the way, the correct answer is that the name Abhimanyu was taken 5 times, Meera was taken 3 times, and once the name Raj was taken. And guys, Pandit, Pooja and Muhurat, these are not names. So very few of you got the right answer, and the two lucky winners are Laughter Express and Warlords. Congratulations, you guys. You've won yourselves free SIT t-shirts. Don't forget to send us your details on this email ID. And for the rest of you, all the best for this week's contest. Love and peace from me to you. Hey, yaar, cruise pe kya maza aayega par? Baby, you and me in a cruise. Just imagine.